हेलो शिमला, दिव्य हिमाचल टीवी से मैं कविता सिंह आपके शहर की आज की कुछ चुनिंदा खबरों के साथ। तो आइए करते हैं शुरुआत। शिमला में कोरोना पर बड़ी कार्रवाई, डीसी ऑफिस के बाहर लगा दिया मास्क का काउंटर। कोरोना पर सख्ती, कमला नेहरू अस्पताल शिमला में बच्चे साथ नहीं ला पाएंगे मरीज। क्या करें, ऑफिस तो आना ही होगा। बस में कटने नहीं देंगे कोरोना का टिकट। बालूगंज समर हिल से उठाए रेहड़ी फड़ी वाले। कोरोना पर पंडित जी का हवन। और अब समाचार विस्तार से। शिमला में कोरोना वायरस के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों को डीसी ऑफिस के बाहर विशेष रूप से काउंटर खोला गया है, जहां पर लोगों को सस्ते दामों में मास्क दिए जा रहे हैं। वहीं लोगों को कोरोना वायरस के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। कोरोना वायरस के खौफ को देखते हुए शहर की दुकानों में भी दुकानदार मुंह पर मास्क बांधकर लोगों को सामान बेच रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि शिमला में लोग अपने स्वास्थ्य के लिए काफी सतर्क दिख रहे हैं। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में भी कोरोना को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए अस्पताल प्रशासन ने 3 जगह से एंट्री ओपन रखी है। मरीजों को अपने साथ बच्चे लाने की पूरी तरह से मनाही कर दी गई है। अस्पताल में मरीजों के साथ केवल एक ही अटेंडेंट को भेजा जा रहा है, ताकि मरीजों को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये निर्णय कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। दिव्य हिमाचल टीम ने अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों और अटेंडेंट से कोरोना वायरस को लेकर बातचीत की। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर लोगों में काफ़ी दहशत फैली हुई है। हर कोई कोरोना वायरस के नाम से ही इन दिनों काफ़ी खौफ में है। ऐसे में हम आज पहुंचे हैं KNH अस्पताल में। यहां पर जानेंगे कि यहां पर कोरोना वायरस को लेकर लोगों में किस तरह की दहशत है, या फिर वो किस तरह से कोरोना वायरस के लिए अभी से ही अपनी विशेष सुविधाएँ या फिर अपनी जो तैयारी है उस पर लगा है, क्या कुछ विशेष कर रहा है इन दिनों। हम लोग KNH अस्पताल में हैं, जानते हैं लोगों से यहाँ पर क्यों किस तरह से कोरोना वायरस के लिए अभी से ही तैयारी कर रहे 2-3 बार ना, और मास्क पहन के चल रहे हैं, साफ सफाई रख रहे थे। कुछ नहीं है कोरोना वायरस का, अगर सर खांसी जुकाम है तो उसे थोड़ा सा बचना है, तभी मास्क पहन रहे हैं। अपने नाम बताएं और आप इन यूज़ करते हैं अपने नाम से साफ करें, यूज़ करते हैं, बाकी 5-10 मिनट में अपना हाथ साफ करते रहते हैं, साबुन यूज करते हैं, अच्छी तरह से हाथ साफ सफाई रखते हैं। ठाकुर मैं कुशोक से, मेरे माता जी यहाँ पर, उनका ऑपरेशन हुआ है तो हमने देखा कि एक तो कोरोना वायरस की वजह से बड़ी दिक्कतें आ रही है, जिस प्रकार एक दो रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब जिस पेशेंट ने जाना वो तो अंदर जाएगा ही, कहीं से भी जाना, अब हमें वहाँ से घूम करके आना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ देखी जाए कि ये रास्ते बंद कर रखे हैं, रास्ते बंद करने जिसने आना है वो तो आएगा ही। दूसरी चीज़ एक तो कहते वो हिम कार्ड बना रखा है, अभी कार्ड है, हिम कार्ड में दिक्कत ये है कि कई बार लगता है कई बार नहीं लगता। मेरा नाम रेणुका ठाकुर है और कोरोना वायरस वैसे तो बस उससे भी जरूरी तो यही है कि मैं अपनी जिस तरह से जैसे पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो किस तरह से अपना मतलब लोगों से थोड़ी दूरी कैसे बनाए कि ज़्यादा लोग भीड़ में ना हो और मास्क वगैरह का यूज़ करना, हाँ, कंपल्सरी कोई बाहर जाए अदरवाइज
इतना नहीं है ना, बट फिर भी अवेयर तो होना ही चाहिए को लेकर, कहीं ना कहीं मौसम पता था सैनिटाइजर रखो, मास्क रखो साथ में, यूज़ करो उसको, पब्लिक प्लेस में कम जाओ। तो बीमारी फैलने से पहले अगर अलर्ट कर रहे हैं, इससे सफाई रख रहे हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं रखते अंदर पेशेंट्स। आपसे जानना चाहेंगे आपके अस्पताल में कोई पेशेंट है, कौन है आपके पास? मेरी साली है जी। तो फिर यहाँ पे अस्पताल में किस तरह से आपको बताया जा रहा है कोरोना वायरस के लिए? बताया तो कुछ नहीं मैम, चल रहा है, साफ सफाई चल रही है यहाँ पर। आपको अंदर जाने दिया मैम? कौन करता है आपको? दो मिनट, इसलिए अच्छी बात है जो बाहर है। आपने खुद मास्क लगाया हुआ है तो आपको किस तरह से अपनी कोरोना वायरस के लिए आप सतर्क हैं? आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो कोरोना वायरस के मैसेज? तो क्या रिश्ते तो यही कह सकते हैं कि कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है, मतलब जो कहीं भी कैसे भी पहुंच सकता है। तो इसके लिए आप थोड़ी सतर्कता बरतें, अपना सैनिटाइजर यूज़ करें दिन में 5-10 बार, हाथ धोए और मास्क पहने, ज़्यादा भीड़ वाली जगह में मत जाए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें और यही एक सेफ्टी का साधन है। बाकी अभी तक कोई ऐसी दवाई वगैरह तो कोई बनी नहीं है। सबसे पहले तो हमने ट्रायज रखा है बिल्कुल जहाँ एंट्रेंस है हमारी ओपीडी का, वहीं पर ही हम वहीं से ही हमने एक हेल्प डेस्क रखा है और एक ट्रायल सिस्टम रखा हुआ है जहाँ पे हमने दो लोगों को तैनात किया हुआ है जो कि हर आने वाले पेशेंट से ये पूछ रहे हैं कि अगर उनकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री है कोविड 19 इफेक्टेड एरियाज कंट्री से या फिर कोई कॉन्टैक्ट विद अ कोविड पॉजिटिव पेशेंट, तो उनको पहले हम एडवाइस कर रहे हैं पहले IGMC फ्लू कॉर्नर में जाके अपने टेस्ट कराएं, उसके बाद इधर आए। ठीक। सेकेंडली जो पेशेंट की कोई हिस्ट्री नहीं है उसको फिर हम एडमिट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने टू कहते हैं हॉस्पिटल में विजिटर्स और उसको अटेंडेंट्स को कम करने के लिए हमने अटेंडेंट पासेस इशू किए हैं जिसमें हम एक मरीज के साथ सिर्फ एक अटेंडेंट को अलाउ कर रहे हैं जिससे कि थोड़ा हॉस्पिटल में फुटफॉल कम हो और ट्रैफिक कम हो। मास्क पहनने के WHO के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस हैं, वेरी स्पेसिफिक वेरी क्लियर, वो आप लोगों को सबको पता ही होगा, नेट पे भी अवेलेबल है। उसमें ये है कि जो क्या कहते हैं जो इंसान को इन्फेक्शन नहीं है वो कृपया करके मास्क ना यूज़ करें, क्योंकि मास्क पहनने से आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर करें। जब आपका हार्ट ड्राई हो जाता है तो फिर सैनिटाइज़र यूज़ करें। सैनिटाइज़र की भी अगर आप फ्रीक्वेंट सोप एंड वाटर से हैंड वॉश करो तो आपको सैनिटाइज़र की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और मास्क पहन के अगर आप इधर उधर हाथ मुंह आंखें वगैरह छूते रहो तो उसका मास्क का कोई फायदा नहीं है। अस्पताल में कोरोना वायरस के लिए विशेष सुविधाएं की गई ताकि यहाँ पे आने वाले मरीजों को और उनके साथ आने वाले तीमारदारों को भी किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। शिमला से दिव्य हिमाचल के लिए अमन शर्मा के साथ मालिका बंसल की रिपोर्ट। कोरोना ने हर कोने कोने में लोगों को डराना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ कार्यालय ऐसे हैं जहां लोगों की आवाजाही अभी भी देखी जा रही है। इसमें BSNL ऑफिस भी शामिल है। दिव्य हिमाचल TV ने इस बाबत कर्मचारियों से खास बातचीत की जिसमें उन्होंने ऑफिस में कोरोना से बचने की तैयारियों के बारे में बताया। हालांकि अब कार्यालयों में रश काफी कम हो गया है। आप भी देखिए कैसे हैं शिमला के कुछ व्यस्त कार्यालय। दिव्य हिमाचल TV में आपका स्वागत है। और प्रदेश सरकार ने अब सरकारी दफ्तरों को भी ये निर्देश जारी किए हैं कि जो भी कर्मचारी हैं वो तभी अपने कार्यालय पहुंचे यदि उनको बहुत ज्यादा जरूरी काम है। लेकिन BSNL एक ऐसा हमारा कार्यालय है जहां पे लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा बनी रहती है। हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे जो अधिकारी वर्ग है लोगों के साथ डील कर रहे हैं इस कोरोना वायरस के खौफ को लेकर। सर हमारे साथ हैं SDE कौंडल जी हैं। सर नमस्कार। सर कोरोना का खौफ बहुत ज्यादा है तो आप कैसे तैयारी कर बैठे हैं और आप आए हैं आज ऑफिस? ऑफिस में आना पड़ेगा क्योंकि हमारे तो जरूरी काम है, सारे काम करने पड़ेंगे, घर से काम चल नहीं सकता हमारा। लोग चले रहते हैं, लोग तो आएंगे, जिनकी मजबूरी है वो मजबूरी में आएंगे, जिनका काम उनको काम पे आएंगे। नहीं खाली नहीं, हमारा साथ स्टाफ पूरा आ रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं आशीष जी, जेई हैं और काम कर रहे हैं, लोगों की जो काम है उसको डीलिंग प्रतिदिन जारी है। सर कैसा खौफ है कोरोना का?
कोरोना का खौफ तो काफी ज्यादा है और आप लेकिन ऑफिस आए? जी ऑफिस तो आना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कि पब्लिक सेवा करते हैं जी। तो वो तो सेवा करनी ही करनी है पर साथ में जो है हमें मतलब सावधानी बरतनी होगी। हर चैनल पे इंटरव्यू आ रहे हैं, एम्स के डॉक्टर्स भी हैं और सारी जो हमारे जो भी है सारे लोग बता रहे हैं कि मतलब सावधानी और सफाई बहुत जरूरी है। खाली लग रहा है आपका कार्यालय? नहीं खाली नहीं है, सारे एम्प्लॉई आते हैं। लोगों का थोड़ा सा लोगों का थोड़ा वो तो हर जगह भीड़ से सारे बच रहे हैं लेकिन हम लोग ऐसे ही सबको सेवाएं दे रहे हैं। आपका स्वागत है। आपको क्या लगता है कि डर कितना है और हिमाचल में भी कोई वायरस भी नहीं आया इसके बारे में तो क्या सतर्कता बरती जा रही है कार्यालय में? कार्यालय में ऐसे तो पर्सनल लेवल पे ही है जो भी है, जैसे कि सब अपने हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, मतलब अपने हैंड वॉश करना, फ्रिक्वेंटली सैनिटाइजर वगैरह यूज करना और ज़्यादा मतलब किसी से फिजिकली इंटरेक्ट कम हो रहे हैं, हैंड शेकिंग वगैरह काफ़ी कर रहे हैं। मैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ भी करती हूँ तो वो काफ़ी मतलब क्या कह सकते हैं इमरजेंसी बेसिस पे इसमें काम करना पड़ता है। हाँ तो इसमें हम मिले नहीं कर सकते हैं। अब स्कूलों में छुट्टियां भी पड़ गई है और कार्यालय में जो अधिकारी हैं उन्हें ये मजबूरी है कि अपने बच्चों को कहाँ रखे। यहाँ BSNL ऑफिस में जो जीटीओ है अंशु जी वो अपनी बिटिया को साथ लेके आए हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कोरोना क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिका वर्मा है। आपको पता है कोरोना क्या है? क्या है ये? अच्छा ओके मतलब वायरस है। आपको पता है ये छुट्टियां पड़ी आपको क्यों पड़ी है? हमें कोरोना वायरस की वजह से छुट्टियां पड़ी है। ठीक है तो फिर अब आप कहाँ आए हो फिर? मैं अपनी मम्मा के साथ अपनी मम्मा के ऑफिस में आई। हमें हैंड शेक नहीं करना है और हैंड सैनिटाइजर यूज करना है, मास्क लगाना है और हैंड वॉश फ्रीक्वेंटली करना है। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे बच्चे हो या बड़े अधिकारी हो, किसी भी उम्र वर्ग के लोग हो, कोरोना का खौफ हर कदर छाया है लेकिन जागरूकता भी बहुत जरूरी है और हो भी रही है हिमाचल में, ये देखने में आ रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए लविश के साथ दीपिका शर्मा की। राजधानी में सुबह के समय पुराने बस अड्डे पर बसों को सैनिटाइज किया गया, साथ ही बस अड्डे पर ब्लीचिंग पाउडर भी डाला गया। कोरोना वायरस के बचाव के लिए HRTC ने अपने कर्मचारियों को मास्क भी उपलब्ध करवा दिए हैं। HRTC की बसों के साथ निजी बसों को भी सैनिटाइज किया गया ताकि शहरवासियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और कोरोना वायरस को मात दी जाए। शिमला में कोरोना वायरस के खौफ को देखते हुए नगर निगम प्रशासन भी हरकत में आ गया है। प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बिना मास्क और ग्लव्स के काम ना करें। इसके अलावा निगम खुले में फास्ट फूड बेच रहे रेहड़ी फड़ी वालों पर भी उचित कार्रवाई कर रहा है। नगर निगम ने शहर में जगह जगह सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर रखा है ताकि कोई भी खुले में खाने का सामान ना बेच सके। इसके लिए गुरुवार को नगर निगम की टीम ने बालूगंज और समर हिल से रेहड़ी फड़ी वालों को उठाया। प्रशासन इस बारे में जो है ठोस कदम उठा रही है। कल भी हमारे जो है कर्मचारी गए थे फील्ड में और जब 26 जगह पर जहां लोग बैठे थे वहां उनका सामान उठा के ले आए। हमारे होमगार्ड के जो जवान है उनको हमने जगह जगह पे उनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि जहां भी कोई मोमोज बेचने वाले आपको नजर आए तो उनको तुरंत वहां से हटा दिया जाए। शिमला में गुरुवार को सुबह से ही बादलों ने अपना डेरा जमाए रखा, साथ ही हल्की धूप भी खिली रही। बताया जा रहा है कि सप्ताह के अंतिम दिनों में मौसम फिर अपने रंग बदलेगा। विभाग ने 25 मार्च तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई है और 21 को मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना से बचने के लिए आजकल सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों की ओर से कई उपाय बताए जा रहे हैं। ऐसे में सनातन धर्म इस बारे में हवन करने के साथ कुछ और अहम चीजों के ऊपर से पर्दा उठा रहा है। भले ही आज से शिमला में मंदिरों के द्वार बंद हो गए हैं लेकिन कुछ श्रद्धालुओं का आना जारी रहा और पंडितों से कोरोना भगाने के उपाय जानते नजर आए। आप भी जानिए क्या कहते हैं पंडित और श्रद्धालु। नहीं ऐसा नहीं है, जो भगवान में आस्था रखते हैं उनको डर नहीं होना चाहिए और इसी से जो है वायरस जो है इस भगवान की पूजा अर्चना से ही खत्म हो सकता है और जो कपाट बंद करने का जो गवर्नमेंट का निर्णय है वो किसी हद तक ठीक भी है पर हम इस चीज़ को ठीक इसलिए नहीं समझते। अगर की नहीं होगी तो वायरस को खत्म परमात्मा का ही बनाया, विश्व ब्रह्मांड जो है परमात्मा का ही है, हम उसी के अंदर उसी के हम बच्चे हैं सब।
तो आस्था तो पूजा जो अर्चना जो है ये होनी चाहिए, भले ही उसके अंदर कमी की जा सकती है, उसको एकदम जहाँ भीड़ एकत्रित हो वो ना हो उसको रोका जा सकता है कि 10-10 के ग्रुप में भेजे जाए या 5-5 के ग्रुप में भेजे जाए, पर ये है कि थोड़ा एहतियात गवर्नमेंट के जो एहतियात सरकार के आदेश हैं उसके मुताबिक सैनिटाइजर या जो भी है वो अपना यूज़ करते रहें, हाथों को धोते रहें, जो जो उनकी गाइडलाइन है गवर्नमेंट की उसको फॉलो करते रहें। हमारे साथ पंडित जी जुड़े हैं शिव मंदिर के, शिमला का काफ़ी पुराना मंदिर है। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, कोरोना आया है और मंदिर के कपाट कुछ बंद है कुछ खुले हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपदाई है जहाँ भी विश्व में नहीं जा सकता, भारत देश में उसका ज़्यादा प्रमुख नहीं है क्योंकि यहाँ देवी शक्तियों का प्रभाव है, लोग आस्था मान हैं, पूजा पाठ करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। जिन देशों में ज़्यादातर मांस का प्रयोग ज़्यादा तो वहाँ इनका प्रमुख ज़्यादा हो रहा है, वैज्ञानिक आधार भी दिया जाता है, हवन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हर साइंटिफिक भी है और वैदिक रूप से भी है। हवन तो हमारा मूल है, जब हवन करते हैं तो संचय होता है, बादल बनते हैं, बाद उनसे बारिश होती है, धीरे धीरे आदमी पहले से होता है, फिर उस पर अन्न पैदा होता है, अन्न से चलता है, ये तो प्रकृति है। लेकिन जो भी इस टाइम आपदा आई है उसको निपटने के लिए सबसे बढ़िया बात ये है कि लोग अपना ध्यान रखें जिसके अनुसार भी है और भगवान का आस्था मान लोग पूजा पान करें। लोगों हम आपको ज़्यादा क्या बता सकते हैं, हो सकता है जैसे कि हमारे ग्रहों के अनुसार आपदाएँ आ रही हैं, किन देशों में ज़्यादा आई है ये सोचने का विषय है, क्या वहाँ लोग इन मान्यताओं को मान लें, पूजा पाठ की तैयारी करते हैं, हमारे देश में इस चीज़ का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आस्थावान लोग हैं और विधि विधान से हर कार्य करते हैं। आगे सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ बड़ों का आदर, जो माता है पूजा देवताओं का पूजा होता है वहाँ से दिखते ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा फर्क बड़ा है। आजकल स्कूल बंद कर दिए गए हैं, संस्थान बंद कर दिए, इसका फर्क बड़ा है, लेकिन जो आस्था मान लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं उन सबको ही खुशी मिल रही है उसमें। बिल्कुल, हमें पंडित जी ने बहुत सी चीज़ें बताई कि अगर हम अपने सनातन धर्म पर विश्वास रखें तो बहुत कुछ चीज़ें निकल के सामने आ सकती हैं। सुरक्षा को लेकर दिव्य हिमाचल टीवी के लिए दबिश के साथ दीपिका शर्मा। हेलो शिमला के बाद अब थोड़ी ही देर में फिर हाजिर होंगे प्रदेश की अहम खबरों पर आधारित दिव्य हिमाचल न्यूज़ बुलेटिन के साथ। तब तक नमस्कार।